क्या रहे हो? हम ऑफिस। क्यों? क्यों? वो चीज़ आपको कोई काम नहीं आ रहा है इसीलिए। तो क्या क्या लिए हो हाथ में दिखाओ? लैपटॉप मोबाइल। क्या चीज? लैपटॉप मोबाइल। तो क्या करोगे वहाँ पे जाके? बताएंगे। अच्छा, अब्बा को काम सिखाओगे? अच्छा, अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू हम दो, हमारे चार व्लॉग्स। इस वक्त है ना यहाँ पे सुबह के 9:30 हो रहे हैं और हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और कल रात में हस्बैंड ने आरिस से मजाक में ऐसे ही बोल दिया था कि आरिस कल हम तुमको ऑफिस लेके चलेंगे। तो आज सुबह सुबह आरिस उठ के एकदम देखिए ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है और हस्बैंड से कह रहा है अब्बा हम एकदम रेडी हैं। तो हस्बैंड कह रहा है अरे हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन आरिस मान के नहीं दे रहा है। अब वो जाएगा और है ना एकदम ऑफिस वाली फीलिंग उसके अंदर आ रही है, जैसे कह रहा है कि मैं भी लैपटॉप और मोबाइल अब्बा की तरह लेके जाऊँगा। ये देखिए एक घर में ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो वही लेके जा रहा है। और बैग में है ना मैंने उसके थोड़ा सा स्नैक्स और पानी वगैरह डाल दी हूँ मंचिंग के लिए। अच्छे से काम करना ठीक है ना? अब्बा को कुछ ऑफिस में नहीं आएगा तो बता देना। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि आजकल जो है वो ज़ैम की छुट्टियां चल रही हैं, सितंबर से उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। तो ज़ैम भी जो है ना जब फ्री रहता है हस्बैंड के साथ जाता है ऑफिस। हफ्ते में 3 दिन ऑफिस जाता है और 3 दिन जो है ड्राइविंग क्लास। और यहाँ पे देखें भाईजान के घर से मम्मी आ गई थी यहाँ पे मेरे यहाँ। और ये सेवई जो है ना ये हम लोगों ने इंडिया से मंगवाई थी, तो ये बिल्कुल वाइट सेवई है जिसकी मैं केवामी सेवई बनाती हूँ ईद में। सो बकरीद के लिए ना मेरे पास सेवई थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो फिर जो है यहाँ पे मम्मी भून रही है सेवई, और ये कच्ची सेवई होती है, इसको जो है थोड़ा सा ब्राउन भून के रखा जाता है। तो मेरा बकरीद का इंतज़ाम हो गया। तो आज आरिस भी नहीं है घर में, एकदम सुकून से मैं आज काम कर सकती हूँ। और मम्मी जो है ना वो किचन संभाल रही है नीचे, तो मैं आ गई हूँ ऊपर। और आज है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपने रूम का क्लोज़ेट जो है उसको एकदम नीटली अरेंज करती हूँ ताकि वो एकदम अच्छा भी लगे दिखने में और एकदम फंक्शनल भी हो। हर घर में कपड़े वॉश किए जाते हैं, फोल्ड किए जाते हैं, कबर्ड में रखे जाते हैं और कबर्ड से बाहर निकाले जाते हैं। तो अगर ये एक्टिविटी एकदम सिंपल हो और ऑर्गेनाइज्ड हो तो फिर आपका जो है ना इस काम में दिल भी लगेगा। एक बार अगर आप अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना और एकदम अच्छे से खूबसूरत सा वो दिखने लगेगा तो फिर आपका दिल ही नहीं कभी करेगा कि आप उसको जो है ख़राब करें। और अगर कभी ख़राब हो भी गया तो फिर जो है ना आप फटाफट से उसको एकदम अच्छा कर लेंगे, फिर से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, क्योंकि देखने में भी एकदम अच्छा लगता है और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है जब चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं तो। और अगर आप वही अनऑर्गेनाइज्ड कबर्ड में काम करते रहेंगे, कपड़े उसमें से निकालते रहेंगे, खींच खींच के उसी में अंदर डालते रहेंगे तो फिर आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि आप उस कबर्ड को ऑर्गेनाइज करें। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कपड़े दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से रखती हूँ क्लॉज़ेट में। मेरे कपड़े जो हैं वो एकदम सिंपल तरीके से रखे रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने सारे कपड़े जो हैं वो निकाल के बेड पर रख दी ताकि मैं उसको डिवाइड कर सकूँ ग्रुप्स में। कुछ कपड़े मेरे ऐसे हैं जो 3-पीस सूट हैं, ये कुर्ता है और ये है दुपट्टा और इसके पीछे ही जो है वो है ट्राउज़र। तो ये एक सेट है, तो इन सेट को जो है ना मैं एक साथ कबर्ड में टांग दूंगी ताकि जब भी मुझे ये सेट पहनना हो तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाए। अच्छा, जो आपके पार्टी वेयर होते हैं ना वो आपको एक तरफ अरेंज करना है और जो डेली यूज़ वाले हैं वो एक तरफ। जैसे आप ये वाला देख रहे हैं, ये वाला कपड़ा जो है ये कॉटन का है और दुबई में आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि ज़्यादातर जो है ना कपड़े मेरे कॉटन के ही रहते हैं। तो ये प्लाज़ो पैंट्स हैं और इसके साथ जो है ना ये खादी से मैंने ली थी कुर्ती जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लगती है पहनने पर। तो इन दोनों को जो है ना मैं एक साथ रखूँगी ताकि जब भी मुझे इस कुर्ती के साथ ये प्लाज़ो पैंट पहनना हो तो मुझे फ़ौरन जो है एक ही जगह पर इकट्ठे मिल जाए। सिमिलरली ये वाला कपड़ा जो है ये भी प्लाज़ो पैंट्स और कुर्ती एक साथ एक सेट है। तो जो सेट सेट हैं उनको एक साथ बना के मैं रख दूंगी। डेली वेयर वाले कपड़े अरेंज करने के बाद बारी आती है अब पार्टी वेयर की। तो ये वाला कपड़ा जो है ये ओकेजनली पहना जाता है, तो जो ओकेजनली पहनने वाले कपड़े हैं ना उनके दुपट्टे भी मैं साथ में ही रखती हूँ, क्योंकि हैवी सूट के दुपट्टे जो है ना सिर्फ उन्हीं कपड़ों के साथ मैच होंगे जिनका वो सेट है। ये वाला कपड़ा जो है ये देखिए ये मेरे लास्ट टू लास्ट ईयर ईद का है और ये सारे कपड़े ऐसे हैं जो हम लोग डेली पहन नहीं सकते, जैकेट वैकेट वाला ये सब कहाँ पहन के जाएंगे। तो ये मैंने ईद में ख़रीदी थी 2-3 साल पहले शायद। तो ये देखिए अभी तक वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे यही होता है कि कपड़े के कलर भी जाते नहीं हैं, ख़राब भी नहीं होता है कपड़े, लेकिन अब कितना पहने इंसान।
तो जो कम पहनने वाले कपड़े हैं पार्टी वेयर टाइप्स, उसको मैं ना एकदम अंदर की तरफ रख दूंगी क्योंकि वो जल्दी यूज़ नहीं होते हैं। अब बारी आती है दुपट्टा और स्कार्फ अरेंज करके रखने की। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि निशात लिनन या खादी से मैं कुर्तियाँ ख़रीद लेती हूँ और उसके साथ जो है ब्लैक, वाइट या बेज कलर का ट्राउज़र मैच करके पहन लेती हूँ। तो ऐसी कुर्तियों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि दुपट्टा नहीं रहता है, तो अलग से दुपट्टा ख़रीद के मैं एक जगह बॉक्स में रखती हूँ ताकि जिस सूट के साथ जो दुपट्टा मैच हो वो मैं दुपट्टा निकाल के पहन सकूँ। इस वजह से मैं सारे दुपट्टे जो है ना वो एक साथ एक जगह पे रखी रहती हूँ बॉक्स में अरेंज करके। ये हैं सारे स्कार्फ जो मैं बुरके के साथ पहनती हूँ मैच करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मल्टी कलर के स्कार्फ ब्लैक बुरके पे लेना। तो कुछ कलेक्शन जो है वो मैं अपने ही कबर्ड में रखी रहती हूँ, बाकी मैं फलक के रूम में टांगी रहती हूँ स्कार्फ ऑर्गेनाइज़र में। इन सारे दुपट्टों को जो है ना मैं क्या करती हूँ कि आइकिया से मैंने ऑर्गेनाइज़र ख़रीदी थी उसके अंदर मैं ये रख देती हूँ दुपट्टा। तो ये देखिए इस तरह से जब आप दुपट्टा रखेंगे तो कितना क्लियरली विजिबल है, कोई भी सूट पे अगर आपको जो भी मैच करना है दुपट्टा आराम से आप निकाल सकते हैं। और ये वाला जो बॉक्स है ये भी मैंने आइकिया से ही ली थी और इस बॉक्स के अंदर है ना मैं अपने सारे नाइट सूट्स फोल्ड करके डाल देती हूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ना ये बहुत ही हैवी है, मतलब ये नहीं कि आप इसमें कपड़े रख दिए और टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, नहीं, ये फोल्डेबल कार्डबोर्ड के बने हैं जिसके अंदर हैंडल भी लगा हुआ है ईजी एक्सेस के लिए। तो ये देखिए मेरा कबर्ड जो है वो पूरा ऑर्गेनाइज है, एक तरफ डेली वेयर वाले कपड़े, एक तरफ पार्टी वेयर वाले कपड़े और सारे के सारे क्लियरली विजिबल हैं, सिंपल एंड फंक्शनल। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने अपने हस्बैंड का क्लोज़ेट कैसे ऑर्गेनाइज करी हूँ। हस्बैंड के जितने भी ऑफिस वेयर कपड़े हैं ना, चाहे वो फॉर्मल्स हों चाहे वो कैजुअल हों, सारे मैं हैंगर में हैंग करके रखती हूँ। एक तरफ मैंने सारी टी शर्ट्स अरेंज कर दी हूँ और दूसरी तरफ जो है मैंने सारी शर्ट्स लाइन से हैंग कर दी हूँ। और जो नीचे वाला रॉड है ना उसमें भी मैं हैंगर में सारे जीन्स और ट्राउज़र्स ऑफिस पहनने वाले हैंग कर देती हूँ इस तरह से। हस्बैंड का नाइट सूट ऑर्गेनाइज करने के लिए आइकिया से मैंने ये अगेन बॉक्स ली थी जो काफ़ी हैवी है और डीप भी बहुत है, अच्छे खासे कपड़े इसके अंदर आ जाते हैं। तो जितने भी नाइट सूट वगैरह है ना वो मैं इसमें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं हस्बैंड का क्लोज़ेट ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो जब ऑफिस जाने के लिए वो रेडी होते हैं ना तो उन्हें मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आओ और कपड़ा दो, खुद ही जो है उनके आँख के सामने सारे कपड़े एकदम क्लियरली विजिबल हैं, अपने से निकाल के वो रेडी हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मैं आरिस का जो है कपड़ा वो कैसे अरेंज करके रखती हूँ। बच्चों का कपड़ा अरेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि वो छोटे छोटे रहते हैं और बच्चे अपने कपड़े खुद से भी निकालते हैं अक्सर, और अगर प्रॉपरली हम लोग बच्चों के कपड़े नहीं रखेंगे ना अरेंज करके तो एक कपड़ा निकालेंगे तो सारे कपड़े जो हैं वो मैस हो जाते हैं। तो सबसे पहले सारे कपड़े निकाल के उनको अलग अलग हम लोग सेग्रीगेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सेट्स हैं, यहाँ पे हैं बाहर पहनने वाले कपड़े, यहाँ पे हैं नाइट सूट्स। सबसे पहले मैंने जीन्स और जितने भी ट्राउज़र्स हैं ना घर और बाहर पहनने वाले उनको मैंने फ़ोल्ड करके रखी हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने आइकिया से ली थी जिसके अंदर डिवाइडर है उसमें मैंने डाल दी हूँ। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को फोल्डिंग टेक्निक भी दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है ना हम अपने बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये फोल्डिंग टेक्निक स्टार्टिंग में आपको लगेगी कि डिफ़िकल्ट है या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार अगर आपका हाथ इस पर सेट हो जाएगा ना तो फिर आप बार बार जो है इसी टेक्निक से फ़ोल्ड करना पसंद करेंगे। ये देखिए सबसे पहले जो है ना हाफ में टी शर्ट को रखना है और उसके बाद उसको अगेन फोल्ड कर देना है, और भी आप छोटा करना चाहते हैं तो और एक छोटा फोल्ड कर सकते हैं इसको। एक और शर्ट देखिए, और इस तरह से जो है ना खाली आप छोटे बच्चों के ही कपड़े नहीं फोल्ड कर सकते हैं, मतलब बड़े बच्चों के भी कपड़े आप फोल्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये देखिए कितना इजी भी है, स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल है लेकिन एक बार जब मैं इस तरह से फ़ोल्ड करने लगी हूँ ना तो मुझे ये बहुत आसान लगता है, एकदम जल्दी जल्दी से फ़ोल्ड भी हो जाता है एक ही बार में। आरिज हमारे साथ हमारे रूम में सोता है ना तो इसलिए उसका कपड़ा मेरे ही क्लोज़ेट में रखा रहता है, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को आरिज के कपड़े के बीच में ऑर्गेनाइजेशन दिखा दी। किसी दिन जब मैं फलक और ज़ैम के कबर्ड का ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से उनके कपड़े सेट करती हूँ।
सारी शर्ट्स को मैंने अपराइट पोजीशन में रखी हूँ ताकि जो है वो जगह कम ले, और ट्राउज़र्स के साइड में है शर्ट्स। जैसे अगर आप मिसमैच करके पहनाना चाहते हैं तो एक ही जगह पे आपको शर्ट और पैंट दोनों मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कुछ शर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ मैचिंग ट्राउज़र्स भी होते हैं, तो उसको कैसे हम लोग फोल्ड करके रख सकते हैं। बच्चों के कपड़े जो सेट में होते हैं ना, उनका अगर शर्ट साथ में नहीं रखा जाएगा तो फिर टाइम पे मिलता नहीं है। तो फिर ये होता है कि शर्ट यूज़ में आ गई, पैंट यूज़ में ही नहीं हुआ और कपड़े छोटे हो गए। तो इसलिए जो है ना, एक सेट को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक हुडी वाली शर्ट है जिसके साथ ये ट्राउज़र भी साथ में ही मिला था। तो देखिए, इसको मैं इस तरह से उसके अंदर डाल के रखती हूँ सेट के, और इस हुडी से जो है ना मैं उसको कवर कर दूँगी ताकि जो है ये जगह भी कम ले और ये एक सेट भी बन गया पूरा। ये देखिए, इसी तरह से हम लोग नाइट सूट्स भी अरेंज कर सकते हैं ताकि जब भी हम लोगों को चाहिए शर्ट और उसका मैचिंग पैजामा एक साथ एक ही जगह पे मिल जाए। ये देखिए, मेथड बहुत ही सिंपल है, बस नीचे से जो है ना वो अंदर हम लोगों को खोज देना है। ये देखिए। अच्छा, और इस तरीके से अगर हम फोल्ड करके रखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे इस्त्री करके ही रखा हुआ है। ज़्यादा आपको इस्त्री करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक फुल स्लीव्स की शर्ट है और पैजामा, तो इनको भी जो है ना हम इसी तरह से रख सकते हैं। जैसे दुबई में तो इतनी ठंडक पड़ती नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह पर स्वेटर्स वगैरह भी होते हैं, तो इस तरह से ना हम मैचिंग के स्वेटर्स और हर चीज़ जो है सेट बना के रख सकते हैं। अक्सर आरिज़ आता है अपने से जो है वो अपना कपड़ा सिलेक्ट करता है, तो बहुत इजी होता है उसके लिए सेट निकालना। ये कुछ ठंडक के कपड़े हैं आरिज़ के, जो अब मैं अंदर रखने वाली हूँ क्योंकि अब गर्मी आ गई है। तो ठंडक के कपड़े साइज़ में कितने बड़े बड़े होते हैं, जगह भी बहुत लेते हैं, हुडी उडी लटकी रहती है उसके साथ। तो इस तरह से जो ना हम उसे छोटा से पैकेट की तरह बना सकते हैं। तो आरिज़ के कपड़े जो है सारे मैंने फ़ोल्ड कर दी हूँ एकदम अच्छे से, और अभी मैं प्रॉपरली आपको रख के दिखाऊंगी कि किस तरह से लग रहे हैं दिखने में। कपड़ों को है ना अगर हम लोग ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे ना तो फिर जो है वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, प्लस जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स मैंने आइकिया से ली थी जब आइकिया में सेल लगी थी। ये जो छोटा वाला आप डिवाइडर बॉक्स देख रहे हैं ये 3 दिरहम का सेल में मिला था, और बड़ा वाला बॉक्स 9 दिरहम का। ये देखिए, सारे बॉक्सेस में मैंने रख दी हूँ कपड़े, और जब आप एक सेट निकालने जाएंगे कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं होता है, आसानी से आप अंदर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए विजिबिलिटी भी रहती है और सारे कपड़े यूज़ में आ जाएंगे। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो कपड़ा अंदर चले गया तो दिखता नहीं है और फिर जो है वो छोटा हो जाता है। मीरा रोड में मुझे याद है कि जो मंडे मार्केट लगती थी ना, वहाँ पर भी इस टाइप के बॉक्सेस मिलते थे। आपके घर के नज़दीक जो भी प्लास्टिक के शॉप्स होंगे ना, वहाँ पे भी इस टाइप के बॉक्स ज़रूर मिलेंगे, चेक करिएगा। चलिए अब देखते हैं कि टॉवल्स को हम लोग किस तरह से रख सकते हैं। मैं है ना टॉवल को अच्छे से सूखने के लिए रख देती हूँ बाहर, और जब वो अच्छे से सूख जाती है तो मैं उसको इस तरह से रोल कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना एक शेल्फ़ खाली है मेरा, तो वहाँ पर मैं अपनी हस्बैंड की और आरिस की टॉवल रख देती हूँ। ठीक उसके ऊपर वाला जो शेल्फ है वहाँ पे मैं अपने पर्सेस अरेंज करके रखती हूँ। तो जिस सूट के साथ जो है जो भी पर्स आपको मैच करके पहनना है वो सामने ही बिल्कुल दिख जाएगा। वैसे जब से आरिस पैदा हुआ है ना, ये छोटे छोटे पर्स मेरे तो यूज़ में ही नहीं आ रहे हैं, बस मुझे बड़े बड़े ही पर्स यूज़ में आते हैं क्योंकि उसके अंदर टिश्यू वगैरह सब रखना होता है। बहरहाल, अगर आप छोटे पर्सेस यूज़ करते हैं तो सामने क्लियरली विजिबल अगर आप रखे रहेंगे तो फिर आप आराम से इन सारे पर्सेस को यूज़ कर सकते हैं। और जो पर्सेस जो हैं ऊपर नहीं आ रहे थे, मतलब साइज़ में बड़े हैं, तो उनको मैं नीचे लेटा के रख देती हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं खड़ा करूँगी तो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आप देखते हैं कि मैंने ड्रॉर्स कैसे अरेंज करी हूँ। तो कुछ स्पेस जो है ना ड्रॉर में हमें फ्री रखनी चाहिए सामान रखने के लिए। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सोचते हैं कि लाओ अभी यहीं ड्रॉर में रख देते हैं और बाद में हम लोग उसको निकाल लेंगे, तो कहीं जगह ही नहीं अगर रहेगी तो सब मैस होता जाएगा। तो इसीलिए कबर्ड में हमेशा थोड़ी सी जगह खाली ज़रूर रखनी चाहिए। अच्छा, मैं अपने कबर्ड के ड्रॉर में जो है ना थोड़ी बहुत प्लास्टिक बैग्स भी रखी रहती हूँ, ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन मैं निकालूँ। लेकिन प्लास्टिक बैग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है अगर हम लोग उसको ऐसे ही रखें। तो कैसे प्रॉपरली फ़ोल्ड किया जाता है प्लास्टिक बैग को, ये देखिए। एकदम छोटा सा हमें ट्रायंगल बना के इसको रख देना है ताकि ये बहुत ही कम जगह ले। ये देखिए, बहुत ही स्लो मोशन में मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को जो है ये टेक्निक समझ में आ जाए फोल्ड करने वाली। ये जो ऊपर का कॉर्नर जितना बचा रहेगा
उसको हम लोग अंदर खोंस देंगे। और ये देखिए, ये एकदम टाइट सा ट्रायंगल बन जाता है। नहीं तो कभी आप प्लास्टिक बैग को देखें, इतना छोटा। तो इसको मैं थोड़ा सा रख दूँगी ड्रॉर में। ये हो गया फर्स्ट ड्रॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसके नीचे वाला जो ड्रॉर है, इसके अंदर मैं हस्बैंड के सारे वेस्ट वगैरह रखती हूँ। तो सॉक्स को ना मैं इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ ताकि दोनों पैर एक साथ मिल जाए, और इस तरह से जगह भी कम लेगा। तो यहाँ पे है वेस्ट और सॉक्स वगैरह। तो ये सेकंड ड्रॉर ऑर्गेनाइज हो गया। और जो उसके नीचे वाला थर्ड ड्रॉर है, उसके अंदर मैं हस्बैंड की कैप्स रखती हूँ। तो हस्बैंड जो हैं वो कैप के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। ऑलमोस्ट सारे ही कलर की कैप्स हैं उनके पास, शर्ट से मैच करके। और साथ में ना इस तरह से टोपी है कुर्ते पे पहनने के लिए। तो ये हो गया थर्ड ड्रॉर। अच्छा, इसके नीचे एक बॉक्स मैं एक्स्ट्रा रखी रहती हूँ ताकि जो कपड़े किसी के छोटे हो गए या हमें जो डोनेशन बॉक्स में डालना है, तो सारे ही मैं इस बॉक्स में जमा करती रहती हूँ। तो इकट्ठे एक जगह रहते हैं। तो क्लॉज़ेट में जितने कपड़े वगैरह थे वो मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और अब बारी आती है बेडशीट को हम किस तरह से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं ताकि वो एकदम कॉम्पैक्ट सी हो, दिखने में भी जगह कम ले, और उसका पिलो कवर हम लोग कैसे रखें ताकि वो गुम ना हो, एक साथ एक जगह पे मिल जाए। तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है बेडशीट को। और फोल्ड करने के बाद जो है ना, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कवर बन गया है, पॉकेट। और इस पॉकेट में जो है ना हम लोग डालेंगे पिलो केस। एक और देखिए कैसे फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से मैं बेडशीट को फोल्ड करके उसके अंदर पिलो कवर डाल के रखती हूँ। कभी भी अगर आप निकालेंगे तो पिलो कवर कहीं भी निकल के गुम नहीं होगा, गिरेगा नहीं। अब थोड़ी सी बात करते हैं अंडर बेड स्टोरेज की। बेड के नीचे जो है ना अक्सर जगह खाली जाती है, वेस्ट जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग एक स्टोरेज बॉक्स डाल देंगे नीचे, तो फिर है ना इसके अंदर हम लोग बेडशीट वगैरह, टॉयज़ या फिर बहुत सारी चीज़ हम लोग रख सकते हैं। जब मैं पूरा क्लॉज़ेट ऑर्गेनाइज़ करके नीचे आई तो यहाँ पे मम्मी देखिए क्या स्पेशल बनाई हैं, खमंड। और यहाँ पे बन रही है इडली, और यहाँ पे टोमेटो रोस्ट हो रहा है चटनी के लिए। और हम लोग है ना मुंबई में हमेशा खमंड, ढोकला ये सब बहुत खाते थे। खमंड जो है ना गुजरातियों की स्पेशल डिश है और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो मुझे तो आता नहीं है खमंड बनाना, लेकिन मम्मी जो है ना वो बहुत अच्छा बनाती हैं, बघार बघार देखे। तो यहाँ पे आज हम लोग अपने लंच में यही खाने वाले हैं, इडली, खमंड, ढोकला ये सब। और यहाँ पे अभी मम्मी चढ़ा ही रही हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे खुशबू ऊपर तक आ रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ इसी तरह की चीज़ें बन रही हैं। और हम लोग जो है ना अक्सर इडली के साथ कोकोनट वाली चटनी नहीं प्रेफर करते हैं, ये टोमेटो वाली प्रेफर करते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और खमंड को ना बघार देने के लिए यहाँ पे एक बघार रेडी हो रहा है, खड़ा लाल मिर्चा, कड़ी पत्ता और सेसमी सीड्स और शुगर वगैरह डाल के। तो ये मम्मी बना रही है उसका बघार खमंड का। और यहाँ देखिए आरिज आ गया ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम। आ गए काम करके? अब्बा को सब सिखा दिए? क्या क्या सिखाए? ऐसे ही सर पे लगा के काम किए थे क्या? लगा के दिखाओ। अरे वाह, ऐसे ही काम किए थे? ज़ाइम भी लगाया था। ज़ाइम भी लगाया था। अब हम आपको बताने वाले हैं। चलो पढ़ो, स्टार्ट करो। कैसे से? बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है? एच से। ओके। अलिफ लाम कहाँ खींचना? क्या बोल रहे थे तुम? क्या करना? अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम नहीं तो अलिफ
तो क्या करना है? खींचना है इसमें अलिफ में नहीं खींचना है। अलिफ में नहीं खींचना है। तो कहाँ खींचना है? काफा खींचना है। हाँ? और इसको खींचना है। कैसे खींचना पता हमको याद नहीं। अब सही है और क्या है?